जरा सोचो उसने क्या कहा होगा। अरे देखो उसने लॉकर बंद नहीं किया। चलो देखते हैं वहाँ क्या है। कुछ तिजोरी की तरह लग रहा है, मुझे लगता है अंदर कुछ महंगा होगा। चलो देखते हैं। नहीं रुको, हम कहाँ हैं? मुझे लगता है कि यह चुनौती है। मैं पहले अपना तिजोरी खोलूंगी। देखो यहाँ स्माइली है। वाह इतने सारे पॉपिट, कितना बढ़िया बढ़िया। हाँ केवल कहने से नहीं होगा, यह उन्हें पॉप करने और थोड़ा शांत होने का समय है। अजीब है यह इतने मुलायम क्यों है, और इसकी महक बहुत अच्छी है। बिल्कुल यह गमी है। गमी तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। हाँ और यहाँ बहुत सारे हैं, मैं इन सबको एक साथ तुरंत खा सकती हूँ। अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। यह बहुत स्वादिष्ट है, यह स्वादिष्ट गमी पॉपिट है। मुझे लगता है वो रुक गई, शायद हमारे लिए, ताकि हम यह खा सके। तुम चोर, यह मेरे हैं। अरे दर्द हो रहा है। अब यह देखने का समय है कि मेरा क्या इंतजार कर रहा है। लगता है ये कुछ बहुत ही मुलायम चीज है। ये जिंदा कीड़े हैं। मैं ये नहीं खा सकती, मैं नहीं करूंगी, वे रेंग रहे हैं। बस हो गया, चिंता मत करो, वे सब उड़ गए। उड़ गए, अब वो सब मेरे ऊपर हैं। बचाओ, वे मुझे खाना चाहते हैं। मुझे लगता है यह वैक्यूम क्लीनर मदद कर सकता है। ये सभी कीड़े को तेजी से अपने अंदर ले लेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे चेहरे पर मूछ बनाने वाले को भी। ये बहुत मजेदार लग रहा है, पर मैं इसे हटा दूंगी। अरे तुमने होठों का क्या किया? सब ठीक है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? तो फिर तुम इन सारे कीड़ों का स्वाद क्यों नहीं चखती हो? यह लो। ओह ये सब मेरे ऊपर है, मैं क्या करूं? छी कितना गंदा। ठीक है चिल्लाओ मत, बेहतर होगा कि तुम अपनी तिजोरी में देखो वहाँ क्या है। ये किसी तरह की औषधि है जो मेरा इंतजार कर रही है। आशा करती हूँ कि कोई मेढक या कीड़ा ना बन जाऊं। अजीब है, मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा है, ये पहले जैसा ही है। What? अजीब। ओ, नहीं मुझे कुछ हो रहा है। दोस्तों मदद करो, मुझे लगता है औषधि ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब मैं तुम्हारे हाथ के आकार की हूँ। ठीक है मैं तुम्हें उठाती हूँ। देखो कितनी प्यारी। अरे तुम अरे तुम मुझे काटोगी? आह दर्द हो रहा है। खैर कोई बात नहीं है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। छोटी लड़की तुम एक असली सांप से लड़ने वाली हो। तुम्हें लगता है कि मुझे डर लग रहा है, मैं इसे कुछ ही समय में संभाल लूंगी। पता नहीं कौन जीतेगा, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि कीड़ा मजबूत है। कीड़ा, मैंने उसे हरा दिया। यह लो और यह। वाह वो सच में जीत गई। तुम्हें क्या लगा था? वो एक मस्त लड़ाई थी। इस बार मुझे स्वादिष्ट ट्रीट मिलेगा, इसलिए मैं अपना लॉकर पहले खोलूंगी। वाह यह मेरा फेवरेट कॉकटेल है, मुझे ये पसंद है। मैं किस बात का इंतजार कर रही हूँ? यह पीने का समय है। अजीब है यह आ क्यों नहीं रहा है, बेकार बोतल। तुम ये समझ क्यों नहीं पाई? सुनो मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसे कैसे पीना चाहिए। तुम अच्छा ले लो, मैं मजाक कर रही थी। वक्का मैं तुम्हें कॉकटेल नहीं दूंगी, यह मेरा है, मैं इसे खुद ही पी सकती हूँ। तुम बहुत लालची हो, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। तुम्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना सीखना चाहिए। यह तुमने क्या किया?
अब मैं पूरी भीग गई हूँ। मैं पूरी बोतल पी सकती थी, मुझे लगा कि हम दोस्त हैं। शिकायत बहुत हो गई, अब डायना को उसकी तिजोरी खोलने दो। क्या मछली? अरे नहीं, अच्छी बात है कि हमारी नहीं है, इसे वास्तव में बदबू आ रही है। पर तुम्हें अभी भी यह खाना है, यह नियम है। मुझे पता है, मैं खाने की कोशिश करती हूँ। यह भयानक है। नहीं, यह मेरे वश की बात नहीं है, यह मैं नहीं खा सकती। तुम नहीं खाओगी? यह नियम है, तुम्हें खाना होगा, खाओ। ठीक है, मैं करती हूँ, बस इसे बहुत जल्दी से करना होगा। कितना गंदा और इतनी बदबूदार भी। अरे यह कंकाल, इसे मुझसे दूर करो और हंसना बंद करो। चलो मेरी, अपना लॉकर खोलो। हाँ, खुशी से। यह क्या है? Excuse me? किसी तरह का स्किटल्स। मुझे यह पसंद है, पर यह बहुत कम है। इसका स्वाद सामान्य वाले की तरह ही है। बहुत बढ़िया, मैं खुश हूँ। देखो, अब कैंडी मेरे ऊपर उग रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या मैं खा सकती हूँ? बिल्कुल। कितना अच्छा। देखो मैं कैसे कैंडी में ढकी हुई हूँ। डायना, तुम्हें चाहिए? नहीं धन्यवाद, मैं तुम्हारे पिंपल्स खाना नहीं चाहती। और फिर से एक बार मैं अपनी तिजोरी पहले खोलूंगी, मुझे लगता है किसी को ऐतराज नहीं होगा। वाह, ये एक उपहार है, आईफोन, कभी ज्यादा नहीं होते। देखो ये कितने सुंदर तस्वीरें हैं। मुझे भी चाहिए, मुझे भी फोटो लेने दो। अरे हटो, मेरे फोटोज को बर्बाद मत करो। इसे दो, ये मेरे हैं, मैं तस्वीरें लेना चाहती हूँ। लड़कियों, लड़ना बंद करो, ये मुझे दो। हमें यह तय करना होगा कि यह किसका है, तब तक के लिए मैं इससे खेलती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? यह मुझे दो, यह मेरी है। यह क्या किया, वो मेरा नया फोन था। कहाँ? उप्स, लग रहा है कि वो अच्छी स्थिति में नहीं होगा। यह सब तुम्हारी गलती है। यह तुमने क्या किया? अब यह फोन नहीं बल्कि टूटा हुआ डब्बा है। जब तक तुम इसे निबट रही हो, मैं अपना लॉकर खोलती हूँ। अजीब, यह खाली क्यों है? चलो देखते हैं यह क्या है। ओ नहीं, मेढक नहीं, मुझे डर लग रहा है। बचाओ, इसे मेरे सिर पर से हटाओ। मुझे भी जानवर की जरूरत नहीं है, चलो हटो यहाँ से। मेरे ऊपर क्यों? यह तुम्हारा मेंढक है और मुझे अभी भी इसे खाना है? बिल्कुल नहीं। अगर यह शापित राजकुमार होगा तो तब मैं एक असली राजकुमारी बन जाऊंगी, पता लगाना होगा। तो राजकुमार, हंसो मत, मैंने पता लगाने की कोशिश की थी। खैर कुछ और पता करो और मैं देखूंगी कि मेरी तिजोरी में क्या है। ओ, एक अजीब सी टोपी है। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? मेंढक? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा मेंढक पत्थर में बदल गया है। पत्थर? अजीब है, लेकिन यह भूरा क्यों है? वाह, समझ गई, यह चॉकलेट है। और केवल चॉकलेट ही नहीं बल्कि स्वादिष्ट चॉकलेट है। सुनो, शायद तुम्हारी टोपी मेरे आईफोन के लिए कुछ कर सकती है। चलो पता करते हैं। यह काम कर गया, कितना बढ़िया, अब मेरे पास एक चॉकलेट आईफोन है, सच में स्वादिष्ट। मतलब यह टोपी सबके लिए अच्छी है। क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? मुझे लगता है यह ठीक है। ओह, अब हमारे पास चॉकलेट मैरी है, चलो उसकी सारी उंगलियां खाते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। चलो उसकी टोपी उतारो, फिर वो वापस अपने रूप में आ जाएगी जैसे कि वो हमेशा से थी। हाँ चलो करो।
धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे लगा मैं हमेशा के लिए चॉकलेट बन गई। इस बार कुछ अच्छा मेरा इंतजार कर रहा है, आशा है कुछ स्वादिष्ट होगा। ओ, न्यूटेला, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं पूरा जार खा लेना चाहती हूँ। माफ करना, ढक्कन अपने आप तुम्हारे तरफ चला गया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी और के सिर पर मार दो। ओ चलो, गुस्सा मत करो, मैं न्यूटेला के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मुझे यकीन है कि ये न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं सही थी, यह कमाल का है। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। तुम्हें चाहिए पर तुम्हें मिलेगा नहीं, यह मेरा न्यूटेला है। अभी भी कुछ बूंद बाकी है। बहुत बढ़िया, तुम्हारी नाक पर भी थोड़ी सी है और मेरे हाथ पर भी। हाँ, हम देख सकते हैं, यह तुम्हारे सब तरफ लगा हुआ है। अब मुझे और गहराई में जाना है। अरे नहीं, मेरा हाथ अटक गया है। मोटी, तुम्हें कम खाना चाहिए। हंसो मत, मेरी मदद करो। चलो इस जार को खींचो। मैं कोशिश कर रही हूँ, चलो हम कर सकते हैं। चलो खींचो खींचो। ओ वाह, अब मेरे पास बहुत सारा न्यूटेला है। चलो जल्दी से खाते हैं। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं जिंदा हूँ। What? क्या तुमने सब खा लिया? तुम्हें ये कैसा लगा? ओह, और चॉकलेट, मैं इसे सीधे अपने हाथों से खा सकती हूँ। जब तक तुम खा रही हो, मैं देखूंगी कि मेरे पास क्या है। कुछ बदबूदार? ओ नहीं, चीज नहीं, प्लीज। दुर्भाग्य से तुम्हें यही मिला है। मुझे ये नहीं खाना, मुझ पर दया करो, ये बहुत खराब है। बातें कम, काम ज्यादा, चलो खाओ। ओह, कितना खराब। हाँ, ये बहुत खराब दिख रहा है। ये ऐसा ही है, मैं नहीं खा सकती, ये बेकार है। हालांकि ये हो गया। ओके, वाह। हाँ बढ़िया है, अब हम देखते हैं कि मेरा इंतजार क्या कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब यह हमारे जान। तो क्या हम शुरू करें? मैं पहले देखती हूँ। ओ वाह, ये तो चॉकलेट बार है, कूल। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, मैं इसे कैसे खाऊं? ये पूरी तरह से पिघल गया है। उसके मजे लो मिया। मुझे उसके साथ तुरंत कुछ करना होगा। एक आइडिया है, मुझे पता है मैं अपने चॉकलेट बार कैसे खा सकती हूँ। मुझे बर्फ और कैची चाहिए। पहले मैं थोड़ा खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट है। यदि मैं बर्फ पर लिक्विड चॉकलेट डालूंगी तो यह हार्ड हो जाएगा और मैं इसे आराम से खा सकती हूँ। और चॉकलेट के साथ ड्रॉ करना मजेदार होता है। ये बढ़िया लग रहा है, मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। मैं ये खा रही हूँ, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। अरे तुम कहाँ देख रही हो, चलो अपना खाना खाओ। मुझे यकीन है मेरे पास भी कुछ स्वादिष्ट है। एक जमा हुआ चॉकलेट बार, सच में ये बर्फ से भरा हुआ है। हाँ, अब यह बेहतर है, ये अच्छा लग रहा है और खुशबू भी अच्छी है। ओह, ये तो एक पत्थर की तरह है, मैं इसे काट नहीं सकती तो इसे खाऊंगी कैसे? चलो टूट जाओ। ओह चलो ठीक है, मैं इसे आइसक्रीम की तरह चाटने की कोशिश करती हूँ, शायद तब मैं इसे खा पाऊँ। यह लंबे समय तक चलने वाला है। यह अच्छा है कि मुझे पिघला हुआ चॉकलेट बार मिला। मैं चॉकलेट से कुछ भी बनाकर खा सकती हूँ, जैसे कि बिल्ली। ये स्वादिष्ट है। इस बार हमें क्या मिलेगा? मैं पहले देखती हूँ। नहीं, मैं देखूंगी, ठीक है, चलो तुम देखो। क्या है इसके अंदर? जमा हुआ वॉफल। बेशक मुझे वॉफल पसंद है, लेकिन जमे हुए नहीं, ये पत्थर से बना है और इसे खाने मेरे दांत टूट जाएंगे। तुम्हें क्या मिला है? वाह, मैं कितनी लकी हूँ, मेरे पास एक तैयार सुंदर सा वॉफल है। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। ओह, ये बहुत गर्म है, मेरा हाथ, ये इतना गर्म क्यों है? यह लो मेरी, मेरे वॉफल पकड़ो। फ्यो, आप ठीक है, धन्यवाद। लेकिन अगर ये इतना गर्म है तो मैं अपना वॉफल खाऊंगी कैसे? आइडिया, नैपकिन लगा लेती हूँ ताकि कपड़े गंदे ना हो। यदि मैं एक कांटे और चाकू से खाती हूँ तो मेरे हाथ को कुछ नहीं होगा। देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। स्वादिष्ट। तुम क्या कर रही हो? बेकार जमा हुआ वॉफल। ओह, टूट जाओ। ओह रे, शायद मैं इस टुकड़े टुकड़े करके खा सकती हूँ। ये अभी भी कड़ा है, इसका बाइट लेना नामुमकिन है। ठीक है, मैं इसे बिल्कुल नहीं खा सकती।
दुखी मत हो मिया। देखो मेरा वॉफल दो लोगों के लिए काफी है, चलो साथ में खाते हैं। हाँ तो क्या साथ में खोले, चलो। वाह मार्शमेलो के साथ हॉट चॉकलेट, मुझे ये बहुत पसंद है। ऊपर बहुत सारे मार्शमेलो हैं। शायद इसे एक स्ट्रॉ के साथ पीना ज्यादा आसान होगा। उफ, मैं इसे अंदर क्यों नहीं घुसा पा रही हूँ, क्या मामला है? अरे तो मेरे पास सच में हॉट चॉकलेट है, यह सही नहीं है। मेरा ड्रिंक इतना ठंडा क्यों निकल भी नहीं रहा है, मैं इसे कैसे पीऊंगी? खैर ठीक है, मैं इसे चाटूंगी। यह तो स्वादिष्ट है, यह आइसक्रीम की तरह लग रहा है। और मैं तो बहुत लकी हूँ, मुझे नरम और मीठे मार्शमेलो मिले हैं और चॉकलेट जो बहुत गर्म है। आह मैं ये नहीं पकड़ सकती, क्या करूँ? हाँ मैं इसे ग्लव्स पहनकर पी सकती हूँ, तब मेरे हाथ को कुछ नहीं होगा। हाँ बढ़िया है। यम्मी। और तुम अपनी बर्फ को चाटो। तुम पहले क्यों हो, चलो एक साथ खोले। 3 2 1 नूडल्स। अरे वाह कितना बढ़िया है। अरे रुको क्या ये जमे हुए हैं? मैं अपनी चॉपस्टिक भी नहीं निकाल सकती, हालांकि यह बेहतर नहीं हुआ। हाँ बुरा हुआ, लेकिन मैं अब एक स्वादिष्ट नाश्ता करने जा रही हूँ। मैं तो चॉपस्टिक के साथ प्रोफेशनल हूँ, चलो कोशिश करते हैं। ओह वाह। अरे नहीं, ओह मेरा मुंह जल रहा है, मैं खुद को रोक नहीं पा रही। मुझे पता है कि मैं अपनी नूडल्स को कैसे पिघला सकती हूँ। मिया मेरी थोड़ी मदद करो। हाँ अब मैं भी अपने नूडल्स खा सकती हूँ। अब इसे खाना आसान हो गया है, ये नूडल्स बहुत तीखे हैं। मदद करने के लिए धन्यवाद, अब मैं नाश्ता करूँगी। कितना स्वादिष्ट है, मजा आ गया। उफ्स, माफ करना। सुनो इस बार थंब फाइट डिसाइड करेगी कि पहला कौन होगा, तुम मुझे हरा नहीं सकती, कोशिश भी मत करो। चलो देखते हैं। हाँ मैं जीत गई, तुम हार गई। मेरे पास क्या है? एक पिघला हुआ लॉलीपॉप। क्या? और मैं कैसे खाऊं? ओके। तुम्हें क्या मिला है? ओ वाह मुझे तुमसे कोई जलन नहीं है, मेरे पास एक पूरा लॉलीपॉप है, चलो इसे चखती हूँ। ओ नहीं लॉलीपॉप तो मेरी जीभ पर जम गई, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है कि मिया के साथ शरारत कैसे कर सकते हैं। मेरे प्रॉप्स कहाँ है? बढ़िया। ओ मिया मदद करो, लॉलीपॉप इतना ठंडा है कि जीभ से जम गया है। क्या करो क्या करो, रुको अब मैं। ओह हाँ मैंने कर लिया, तुम्हारी जीभ अब ठीक है। क्या मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। ओह बहुत बेकार प्रैंक था, बेहतर होगा मैं अपने लॉलीपॉप के साथ आगे बढ़ूं। इसे कैसे खाओ? आइडिया, क्या होगा यदि मैं इस पिघले हुए लॉलीपॉप से बबल्स फुलाऊं? वाह और मैं इसमें अच्छी हूँ, ये बबल्स भी स्वादिष्ट है। क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? मुझे लगता है तुमने काफी मजा कर लिया है, चलो रॉक पेपर सीजर्स से करते हैं। सीजर्स, मैं जीत गई। अरे कहाँ, मैं शुरू कर रही हूँ, पता नहीं इसमें क्या है। नगेट्स, वाह मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती, चलो खाती हूँ। ओह कितने गर्म है। हाँ यह बेहतर है। मैं खा रही हूँ, कितना स्वादिष्ट, मजा आ गया। चलो अब तुम देखो कि तुम्हें क्या मिला है। ठीक है जमे हुए नगेट्स, मैं ये कैसे खाऊंगी, मैं तो ये पैकेट में नहीं खोल पा रही, ये तो सच में खुल नहीं रहा। चलो लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, देखो हो गया, यह लो। मदद के लिए शुक्रिया, काश तुमने इसे नहीं खोला होता, मैंने कभी जमे हुए नगेट्स नहीं खाए हैं। खाने की कोशिश करती हूँ, उफ ये तो पत्थर से भी ज्यादा कड़े हैं, इसका बाइट लेना नामुमकिन है। मुझे पता है इसे किस तरह गर्म करना पड़ेगा, मेरे पास एक स्ट्रेटनर है, इसके साथ ट्राई करती हूँ, पता नहीं कितनी देर इंतजार करना होगा। ओ यह महक कैसी है। हो गया, ऐसा लगता है कि ये काम कर गया, नगेट्स तैयार है, मैं अब ये खा रही हूँ। यम्मी, मैं तो सच में जीनियस हूँ। इसमें क्या है यह जानने का मैं इंतजार नहीं कर सकती। ओ देखो वहाँ क्या है, अब मेरे पास है पिज्जा। ओ मुझे माफ करो लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन ये तुमने ठीक नहीं किया, पर मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। स्वादिष्ट, अब तुम्हारी बारी है।
ठीक है, मुझे यकीन है कि मेरे पास भी कुछ स्वादिष्ट होगा। पिज्जा, लेकिन यह जमा हुआ है। हाँ, मुझे पता था, मैं ट्राई करती हूँ। चलो खाती हूँ। आह, मेरे दांत। मैं इसके साथ क्या करूँ? मैं इसे कैसे खाऊं? मेरे पास एक आइडिया है, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद करने दो। हाँ, इस तरह से लो और खाओ। अब चबाओ। लगता है यह काम किया। बढ़िया, धन्यवाद यार। उप्स, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। अरे नहीं, मेरे दांत। अब मैं क्या करूँगी? बेकार पत्थर पिज्जा। मुझे पता है तुम्हें क्या खुश करेगा। पिज्जा, एक टुकड़ा ले लो, बस इस बार सावधान रहना। चलो मैं पहले पहिया घुमाऊंगी। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे सॉसेज पसंद है। ये बहुत अच्छा है कि मुझे यह मिला, और वो भी एक बड़ा सॉसेज, स्वादिष्ट। और अब मैं पता लगाऊंगी कि मुझे कौन सी स्वादिष्ट चीज मिलेगी। अरे नहीं, मुझे कुछ स्वादिष्ट चाहिए था, एक गंदा कॉकरोच नहीं। शायद मैं फिर से घुमा सकती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम चाहती हो कि मैं बकवास खाऊं? कितनी बदबू आ रही है, और ये रेंगते भी हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। यदि तुम ये नहीं करना चाहती हो तो बुरा होगा, पनिशमेंट पहिए का समय है। नहीं, मैं कॉकरोच खा लूंगी। हालांकि वे मेरे स्वादिष्ट पिज्जा में बिल्कुल भी फिट नहीं होते हैं। उन्होंने मेरे हाथ पर हमला किया। नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। जूली, तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारा सॉसेज खाने का समय हो गया है। तुमने एकदम सही कहा। मुझे लगता है कि मैं पिज्जा से एक हॉट डॉग बनाऊंगी, स्वादिष्ट सॉसेज को भर के। जरा देखो कि ये कितना बड़ा और स्वादिष्ट है। मैंने लंबे समय से कुछ इससे बेहतर नहीं चखा है। सॉसेज पिज्जा के स्वाद को और भी कमाल का बना रहा है। ये साधारण हॉट डॉग की तुलना में बहुत स्वादिष्ट है। जूली, तुम मुझे अपनी स्वादिष्ट पिज्जा को खाने के लिए मजबूर कर रही हो, और बेशक मैं इसे खुशी खुशी करूंगी। तुम क्या कर रही हो? किसने तुम्हें मेरे सॉसेज और मेरे पिज्जा को छूने दिया? चलो मुझे हॉट डॉग दे दो। शर्म नहीं आती? अपने कॉकरोच खाओ। मुझे नहीं खाना, बहुत सारे हैं। वे स्पष्ट रूप से मेरा पिज्जा खाना चाहते हैं। अरे हाँ, सच में बहुत सारे हैं। चलो सब बाहर निकलो, मुझे कम से कम पिज्जा का एक बाइट खाने दो। ओह, उन्होंने मेरे लिए लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा है। खैर, अब इसे खाना आसान है। उसने एक कॉकरोच खा लिया, कितना खराब। लगता है मेरे मुंह में कोई आ गया है। हटो। मेला के मुंह में अब कॉकरोच का साम्राज्य बसेगा। क्या मैं इस बार पहले पहिया घुमा सकती हूँ? Okay. पता नहीं इस दौर में मेरे साथ क्या होगा। अरे नहीं, कीड़े नहीं। मैं च्युइंगम से खुश होऊंगी, कीड़े से नहीं। अरे, मुझे हबा बाबा पसंद है, कितना अच्छा। अब पहिया घुमाने की मेरी बारी है। क्या यह सही नहीं है? उसे च्युइंगम क्यों मिला और मुझे चिकन के पैर? ये कितने डरावने और गंदे हैं। हाँ, मुझे तुमसे कोई जलन नहीं हो रही है। और बेहतर होगा कि तुम इसे जल्दी से खा लो। हाँ, सच में मैं किसका इंतजार कर रही हूँ। पिज्जा को सुंदर और स्वादिष्ट बनाने के लिए इन च्युइंगम को सजाने का समय आ गया है। ये रंगीन और लंबे होते हैं, इसलिए पिज्जा पक्का इसके साथ नए रंगों से जगमगाएगा। मुझे यकीन है अच्छा होगा। कैसा लग रहा है? मुझे लगता है यह कमाल का निकला। हाँ, यह अच्छा लग रहा है, चिकन पैरों की तरह गंद नहीं। वैसे मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मिला इस शरारत से चौंक जाएगी जो मैं उस पर करने वाली हूँ। यह क्या बकवास है? नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया। बेहतर होगा तुम इनको मेरे चेहरे पर नहीं बल्कि पिज्जा पर लगाओ, ये ज्यादा अच्छा होगा। और मुझे सजा क्यों दी जा रही है? मैं पिज्जा के स्वाद का मजा ले सकती थी, लेकिन मुझे चिकन पैरों को खाना होगा। कैसा है जूली, क्या तुम्हें ये पसंद है? स्वादिष्ट पिज्जा है ना? क्या तुम अभी भी मजाक कर रही हो? अपना पिज्जा खाओ।
ओके। हाँ बिल्कुल, मैं स्वादिष्ट पिज्जा क्यों नहीं खाऊंगी। यह कितना बढ़िया है, मुझे नहीं पता था कि च्युइंगम और पिज्जा एक साथ मिलकर कुछ इतना अच्छा बनाएंगे। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं रुकना नहीं चाहती। शायद सबसे अच्छा पिज्जा जो मैंने कभी देखा हो। मुझे लगता है ये एक बड़ा गम बबल का समय है। अरे वाह, वो सच में बड़ा है। जितना बड़ा बबल उतना बड़ा धमाका। क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ? मैं इसके कारण कुछ भी नहीं देख सकती। चिकन पैरों से छुटकारा पाने का यह मेरा मौका है। उनके बिना पिज्जा खाना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जूली, तुम्हें लगता है मैंने कुछ नहीं देखा? यह नहीं चलेगा, मैंने सब देखा है। और अपने धोखे के लिए तुम्हें पनिशमेंट विल का सामना करना पड़ेगा। अरे नहीं, आशा है कि मुझे कुछ अजीब ना मिले। हुरे, बारिश, यह अच्छा है। क्या होगा अगर चिकन पैरों की बारिश हो? आ, मदद करो, मैं इन गंदे पैरों से ढक गई हूँ। जूली, तुम बहुत मस्त लग रही हो। देखते हैं इस बार कौन सी ट्रीट मेरा इंतजार कर रहा है। अरे हाँ, यह हुई ना किस्मत। यह गमी आंखों का समय है। उन्हें ना केवल खा सकते हैं, बल्कि उनके साथ खेल भी सकते हैं। देखो मिला, मेरी उंगलियों पर आंखें हैं। ठीक है, हंसी मजाक बहुत हो गया। यह आंखों को चखने का समय है। कैसा है, स्वादिष्ट? बहुत, मुझे यकीन है कि पिज्जा लाजवाब होगा। मैं भी एक स्वादिष्ट ट्रीट चाहती थी। ऑक्टोपस नहीं, इतने छोटे पतले और गंदे होते हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि पिज्जा कितना भयानक होगा। हाँ, ये बहुत घिनौना लग रहा है। कितना गंदा लग रहा है। कल्पना कर लो कि ये बहुत खराब होगा। मुझे लगता है मुझे अपना पिज्जा सजाना चाहिए। मुझे यकीन है कि गमी आंखों वाला पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होगा। ये सुंदर और अच्छा भी लग रहा है। कितना स्वादिष्ट है, मैं नहीं रुक सकती। मैं भी गमी को ना नहीं कहूंगी। कुछ भी मना करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद से ईर्ष्या करती कि मैंने इतना स्वादिष्ट पिज्जा खाया है। अब मेरे मुंह से आंखें निकल रही है। जूली, तुम हमेशा की तरह शरारते कर रही हो। मैं अभी बहुत अच्छे मूड में हूँ। मिला, तुम क्यों नहीं खाती? मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे याद नहीं दिलाओगी। मैं सच में इन ऑक्टोपस को खाना नहीं चाहती। आशा है कि वे अंदर से मुझसे चिपके नहीं रहेंगे। बेचारी मिला, मुझे तो देखकर भी बहुत बुरा लग रहा है। बेशक वे ऑक्टोपस हैं, उनके पास सक्शन कप है और वे जीभ से चिपके रहते हैं। जूली, क्या तुम्हें लगता है यह फनी है? नहीं, यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, यह लो। ओह, यह क्या था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम समझ गई होगी कि ऑक्टोपस अच्छा नहीं होता है। तुमने यह क्यों किया? रुको, अब मैं तुम्हारे मुँह में पिज्जा भर दूंगी पूरा। तो तुम निश्चित रूप से इन सभी ऑक्टोपस से बच नहीं सकती। यह लो। छी, कितना गंदा है। जूली, तुम बहुत खराब हो। अरे नहीं, मैंने बस सही किया है। उसके मजे लो। चलो रॉक पेपर सीजर से फैसला करते हैं कि कौन पहले जाएगा। मैं जीत गई, तो मैं पहले पहिया घुमाऊंगी। अरे हाँ, मुझे फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। क्या तुम कॉकरोच भी पसंद करती हो? तुम्हें मिल जाएंगे। जूली, तुम्हें पता है कि चीटिंग करना अच्छा नहीं है। पहिये को ठीक करो जैसे वह था, या फिर तुम्हें पनिशमेंट का पहिया घुमाना होगा। अच्छा ठीक है। ये रहे मेरे फ्राइज, इतने सारे हैं और इनसे बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। जूली, अब पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। बिल्कुल, आशा है कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। बस स्वादिष्ट होना, स्वादिष्ट होना। नहीं, कुछ भी, लेकिन लहसुन नहीं। ये बहुत खराब है, अजीब है। किसी वजह से वो यहाँ नहीं है, तो मुझे कुछ भी नहीं खाना पड़ेगा। ध्यान से देखो। ओ हाँ, गंध कहीं से आ रही है। मुझे ये बकवास क्यों मिली है? बहुत खराब। खैर, सबसे पहले लहसुन को छीलना होगा। मेरे पास इसके लिए एक विशेष मशीन भी है। सच
सबसे पहले यहाँ लहसुन की सारी कलियाँ डालनी होंगी और कुछ ही सेकंड में लहसुन बदल जाता है छिले हुए लहसुन में। हो गया। और इससे पिज्जा पर एक बहुत ही सुंदर ड्राइंग बना सकते हैं, दिल की तरह। बढ़िया आइडिया है। और फ्राइज की मदद से मैं अपनी भावना व्यक्त करूंगी, खुशी, यानी मैं एक प्यारी सी स्माइली बनाऊंगी। एक स्माइली दिल से बहुत बेहतर है। हाँ कुछ भी, तुमने बस मुझे कॉपी किया है। मेरे लहसुन के दिल को कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ हाँ, अब तुम्हें इस दिल को खाना पड़ेगा। मैं इसे कैसे खाऊंगी, दिल कितना खूबसूरत है। तुम बहाने बनाते रहो, पनिशमेंट पहिए का समय है। अरे यार, मैं बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं हूँ। मुझे न केवल लहसुन के साथ पिज्जा खाना होगा, बल्कि एक ब्लेंडर में इसका कॉकटेल भी बनाना पड़ेगा। हमारे पास एक ब्लेंडर है, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं भी जानना चाहती हूँ कि कैसा निकलेगा। मुझे लगता है कुछ बहुत ही गंदा होने वाला है। अब हम पता लगाएंगे, चलो। अगर मैं उल्टी करती हूँ तो मिला या तुम्हारी गलती होगी, और यह ड्रिंक निश्चित रूप से मुझे बीमार कर देगा। हाँ हाँ, यह सच में गंदा लग रहा है। यह मेरे मुंह में कचरे के डब्बे की तरह है। इस तरह के स्वाद के साथ मैं निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं रहूंगी। छी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे भी इसका पता चलना चाहिए। ओह, मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। अरे नहीं, लहसुन ने मिला को भी मार डाला। क्या है यह सब? मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ। वाह, फ्रेंच फ्राइज भी मेरे चेहरे पर आ गए। वाह,